बहुजन क्रांति मोर्चा ने धर्मशाला में प्रदेश और देश में बढ़ रही छुआछूत को खत्म करने को लेकर एक बैठक बुलाई। इस बैठक के बाद महामहिम राष्ट्रपति को जिलाधीश कांगड़ा के माध्यम से ज्ञापन भेजा गया। इस ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि हम अधोहस्ताक्षरी एसटी एससी ओबीसी और माइनॉरिटी की अलग अलग जातियों के लोग आपका ध्यान हिमाचल में फैल रही जाति भेदभाव की ओर दिलाना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप जो इस प्रकार का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ तुरंत कार्यवाही अमल में लाएंगे। मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा कि अभी हाल ही में जिला कुल्लू के एक स्कूल में बच्चों के साथ जातिगत भेदभाव किया गया जो कि निंदनीय है। उन्होंने कहा कि दूसरा मामला हमीरपुर में अनुसूचित जाति के लोगों को मंदिर जाने से रोका गया जो कि एक बड़ा ही दंडनीय अपराध है। उन्होंने कहा कि जो लोग इस प्रकार की जातिगत खाई को बनाने की जद्दोजहद में लगे हैं और देश की अखंडता को नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो लोग वासुदेव कुटुम्बकम का नारा लगाने वाले तथा कथित राष्ट्रवादी संगठन केवल धार्मिक षड्यंत्रकारी हैं और इनके कारण लोग मजबूरन अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन लोगों के खिलाफ भी सरकार को कार्रवाई करने की जरूरत है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए इस प्रकार के अपराधों को रोकने के लिए सरकार कड़े कदम उठाए। अगर ऐसे ही भेदभाव इन समुदायों के लोगों के साथ किया गया तो वह आंदोलन करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। मोर्चा के लोगों का कहना है कि डीएनए रिपोर्ट में ये बात साफ हो गई है कि एससी एसटी और ओबीसी इस देश के मूल निवासी हैं और इसीलिए इनको लड़ाकर और जातिगत भेदभाव फैलाकर तोड़ने का काम किया जा रहा है जिसे सहन नहीं किया जाएगा। दो मुद्दों को लेकर यहाँ पे आज अपने समाज को लेकर इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले जो हमारे छोटी जातियों से जो भेदभाव किया जा रहा है, स्कूलों में अन्याय किया जा रहा है, मंदिरों में अन्याय किया जा रहा है, तो हमें बड़े दुख से कहना पड़ता है कि 70 वर्ष की आजादी के बाद भी हिंदुस्तान के अंदर, भारतवर्ष के अंदर जाति भेद जो है वो खत्म नहीं हो पाया है। जबकि 27 वर्षों की आजादी के बाद साउथ अफ्रीका में रंग भेद खत्म हो गया हो, तो हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये कैसी वर्ण व्यवस्था है, ये कैसी जाति व्यवस्था है। हम लोग समतामूलक समाज की स्थापना की कोशिश करते हैं, परंतु कुछ एक असामाजिक जो संगठन है उनको तोड़ने की कोशिश करते हैं और भाइयों को भाइयों से लड़ाते हैं। जब वोटों की राजनीति आती है तब लोग, हम लोग हिंदू होते हैं, जब मंदिरों की बारी आती है तो हम दलित शूद्र गिने जाते हैं। तो इस मंच के माध्यम से भारत सरकार को और हिमाचल सरकार को मैं एक संदेश देना चाहूंगा कि ये राजनीति करना बंद करें, समाज को तोड़ने का काम बंद करें, समाज को एक एक मूल मंत्र में ले आने की कोशिश जो हम लोग कर रहे हैं वहां पे हमें रहने दें, जीने दें। क्योंकि हमें इससे महसूस होता है कि देखो, अगर यूपी में हुआ है, अगर दलितों के साथ हत्याकांड हुए हैं, तो वो भारतवर्ष का जो मूल धर्म था बुद्धम, वो उसमें चले गए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये प्रक्रिया जो है हिमाचल प्रदेश में भी दोहराई जाए। और मुझे बड़े अफसोस के साथ फिर कहना पड़ेगा कि एक बहुसंख्यक लोग जो है हिमाचल के वो बुद्धम में। सर, आपने जो मुद्दा उठाया, खैर अच्छा मुद्दा है, उठाना भी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि सरकार ने इस पर तुरंत एक्शन किया है, त्वरित कार्रवाई हुई है? इनफैक्ट जो दो टीचर उसमें दोषी थे उनको भी बर्खास्त कर दिया सेवाओं से। तो वो एक, मैं उसके मामले में आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे जो जितने भी संगठन है, अगर उनका एक प्रेशर नहीं बनता तो शायद ये कार्रवाई ना हो पाती। इससे पहले भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से धर्म परिवर्तन के बारे में मैं और भारद्वाज जी मिल चुके थे, उनका भी एक मैसेज उनको दिया था कि सर, अगर आपकी सरकार हिमाचल में आई है तो हमें उम्मीद है कि ये प्रक्रिया जो वो दोहराई नहीं जाएगी। अब देखो, चलो मैं मानता हूं कि उसके ऊपर अगर कार्रवाई हुई है तो नदौन में आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही हमारी जो ओबीसी की बहन इंदौरा में हुई है उसकी बिला खिलाफ जो है वो आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो ये शासन और प्रशासन की लापरवाही ही गिनी जाएगी, इसमें मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा। क्योंकि ये देखो कि अगर प्रशासन इस चीज को अगर नहीं रोकेगा तो कौन रोकेगा? फिर हमें, हम जैसे सामाजिक संगठनों को इकट्ठा होना पड़ेगा और सामाजिक न्याय की लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। आप कह रहे हैं कि सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, क्या समाज को इसके लिए अवेयर होने की जरूरत नहीं है? और आप भी क्या समाज के बीच में जाकर अवेयर नहीं करेंगे लोगों को? बिल्कुल, हम लोग तो समय समय पे अवेयर करते हैं, इसमें ऐसी कोई ये नहीं है। मैं पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करता हूं तो जहां भी हमें कोई अगर महसूस होती है तो उस लड़ाई को हम बड़े तरीके से लड़ते हैं और बड़े ढंग से लड़ते हैं। आप सबने अपने वक्तव्य रखे, लेकिन स्पष्ट तौर से ये नहीं कहा कि आखिर जातिगत ये भेदभाव कौन फैला रहा है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? अब देखो, इसमें सरे हम पत्र
अखबारों में आ रहा है कि इसमें जो है नाम तो नहीं ले पाऊंगा कि जो भी यहाँ के असामाजिक संगठन है वो इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं।